दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी 2023 विषय हिंदी के लिए 51 अति महत्वपूर्ण ऐसी गद्य रचनाएं उसके विधा एवं रचनाकार लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये सभी रचनाएं विगत के बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसे तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 100% रचना पूछी जाएगी। मैंने यहाँ आपके लिए 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना लेकर आया हूँ, जिसे आप तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में तूफानी करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है शेखर एक जीवनी, विधा है उपन्यास और इसके लेखक हैं अज्ञेय। फिर दूसरा परीक्षा गुरु, इसका विधा भी उपन्यास है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। अब उसने कहा था, विधा है कहानी और लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। अब देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है, लेखक धर्मवीर भारती। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है और इसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। संस्कृति के चार अध्याय निबंध और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रानी केतकी की कहानी प्रारंभिक गद्य है और इसके लेखक इंशाल्लाह खां। अब हिमालय की पुकार आलोचना है और इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। आवारा मसीहा जीवनी, लेखक विष्णु प्रभाकर। फिर आपका है सेवा सदन उपन्यास है और इसके लेखक प्रेमचंद जी। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा साहित्य है, यात्रा वृतांत और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। फिर अतीत के चलचित्र रेखाचित्र है और इसके लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। अब माटी की मूर्तें रेखाचित्र है और इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। माटी की मूर्तें बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उजली आग आपका निबंध है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब ठूठा आम निबंध है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मेरी असफलताएं इम्पॉर्टेंट है, आत्मकथा और ये बाबू गुलाब राय जी की है। अनामदास का पोथा आपका उपन्यास और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कलम का सिपाही जीवनी है, लेखक हैं अमृत राय जी। मेरी यूरोप यात्रा साहित्य है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। मेरी यूरोप यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन, सब याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। कुटज निबंध है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या भूलूँ क्या याद करूँ ये आत्मकथा है और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्या भूलूँ क्या याद करूँ, आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की। एक और आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर, ये भी आत्मकथा है और इसके भी लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, याद रखिएगा। क्या भूलूँ क्या याद करूँ और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी का। अब आपके सामने है 26वां नंबर पे बापू के आश्रम में, ये आपका संस्मरण है और इसके लेखक हरिभाव उपाध्याय जी हैं। पंचपात्र निबंध और लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। फिर अपनी खबर आत्मकथा है और इसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं,
यहाँ उग्र रहेगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर आत्मकथा। आकाशदीप कहानी है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब अगला देखिए, अर्धनारीश्वर आपका निबंध है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। पुरस्कार कहानी है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। पुरस्कार याद रखिएगा। जड़ की बात निबंध है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है और इसके लेखक भगवती चरण वर्मा जी। कुहासा और किरण आपका नाटक है और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी। अब देखिए, भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य है और इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। रसज्ञ रंजन आलोचना है और इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रसज्ञ रंजन आलोचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रृंगार रसमंडन ब्रजभाषा गद्य है और इसके लेखक विट्ठलनाथ जी हैं। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास, लेखक हरिशंकर परसाई जी। रानी नागफनी की कहानी। साहित्यालोचन आपका आलोचना है और इसके लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। साहित्यालोचन आलोचना, लेखक श्याम सुंदर दास। अब आता है स्कंदगुप्त आपका नाटक है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मुद्राक्षस नाटक है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब त्यागपत्र, ये आपका उपन्यास है, त्यागपत्र उपन्यास और लेखक जैनेन्द्र कुमार जी। पृथ्वीपुत्र निबंध है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तट की खोज इम्पोर्टेंट है, तट की खोज उपन्यास है, लेखक हरिशंकर परसाई जी। 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रजभाषा गद्य है और इसके लेखक गोकुलनाथ जी हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रजभाषा गद्य, लेखक गोकुलनाथ जी। अब 11 वर्ष का समय कहानी है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अम्बपाली नाटक, लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अजात शत्रु ये भी नाटक है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आत्मनेपद निबंध है और इसके लेखक आत्मनेपद के लेखक हैं अज्ञेय जी। यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, आत्मनेपद के लेखक अज्ञेय जी हैं, निबंध है। अब लास्ट में आपका 51 नंबर पर है चारू चंद्र लेख, यह उपन्यास है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चारू चंद्र लेख उपन्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों, यह आपके बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्य रचनाएं थी। आप इसे तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। आपको बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ, सभी लोग अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। अब मैं काव्य की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसका भी वीडियो इसके बाद बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।